हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, मानव विकास। इसमें हमारी आज की हेडिंग रहेगी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें डालेंगे पहले आर्मी अल्फा एवं बीटा परीक्षाएं। इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों को कि निरंतर बढ़ती सफलता के कारण उनकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। साथ ही साथ 1970 में जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो सामूहिक बुद्धि की परीक्षणों की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके साथ ही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इन बुद्धि परीक्षणों के निर्माण के लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष यर्कीस थे। सीमित समिति ने 1921 में आर्मी अल्फा परीक्षण तैयार किया। इस परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर सैनिकों की भर्ती ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए चुना तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए व्यक्तियों के चुनाव में सहायता ली जाती थी। आर्मी अल्फा में परीक्षण के 8 भाग थे और उन सब परीक्षणों के आधार पर एक अंक प्राप्त किया जाता था, जो व्यक्ति की बुद्धि का परिचायक माना जाता था। इस परीक्षण में निहित सब परीक्षाएं अधिकांशतया शाब्दिक एवं संख्यात्मक थीं। अशिक्षित एवं अंग्रेजी भाषा ना जानने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए आर्मी बीटा परीक्षण तैयार किया गया। इस परीक्षण में क्रियात्मक तथा अशाब्दिक परीक्षाएं थीं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, शाब्दिक समूह परीक्षा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चाहे कितना बड़ा व्यक्तियों का समूह क्यों ना हो, उसकी बुद्धि का मापन इन परीक्षणों की सहायता से सरलता से किया जा सकता है। इसी कारण आजकल व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाओं की अपेक्षा इन परीक्षाओं का उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इन परीक्षणों की उपयोगिता अधिक होने के कई कारण हैं। इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में इन परीक्षणों के द्वारा बुद्धि मापन में यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षणकर्ता अधिक कुशल और प्रशिक्षित ही हो। सेकंड पॉइंट, इन परीक्षाओं का प्रशासन और मान्यीकरण अधिक कठिन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में इसमें धन और समय अधिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग निर्देशन के क्षेत्र में वर्गीकरण तथा व्यक्तियों के चयन के क्षेत्र में बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। इन विशेषताओं के
अतिरिक्त इन परीक्षणों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनकी सीमाएं, समस्यात्मक और कम आयु के बालकों पर इनका प्रयुक्त उपयुक्त नहीं है। सेकंड पॉइंट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की भांति इन परीक्षाओं की सहायता से बुद्धि का गहन अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में, इन परीक्षणों से प्राप्त बुद्धि की विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक नहीं होती है। अब हेडिंग डालेंगे कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण। तो इसमें हेडिंग डालेंगे पहले वेस्लर की वयस्क बुद्धि परीक्षा। इसमें लिखेंगे वेस्लर ने 1955 में 1955 में इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इस परीक्षण की सहायता से किशोरों और वयस्कों की बुद्धि की परीक्षा आसानी से की जा सकती है। इस बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और एवं क्रियात्मक दोनों प्रकार के परीक्षणों को विशेषताएं हैं। परीक्षण के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 6 उपभाग हैं और इन सभी भागों में परीक्षा के पद शाब्दिक हैं जो निम्न कार्य निम्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो पहला सूचनाएं इंफॉर्मेशन, सेकंड सामान्य अर्थ ग्रहण जनरल कंप्रेशन, थर्ड गणितीय तर्क अर्थमेटिकल रीजनिंग, समानताएं सिमिलरिस्टिक शब्द भंडार, अंक विस्तार डिजिट स्पेन। परीक्षण के दूसरे भाग में क्रियात्मक परीक्षण है जिसमें निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। पहला चित्र व्यवस्थापन पिक्चर अरेंजमेंट, चित्र पूर्ति पिक्चर कॉम्प्लीटेशन, खंड अभिकल्प ब्लॉक डिज़ाइन, वस्तु संकलन ऑब्जेक्टिव असेंबली, अंक चिन्ह डिजिट सिंबल। अब देखेंगे वेस्लर के इस परीक्षण का उपयोग 16 से 64 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि के मापने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में शहरी तथा ग्रामीण शिक्षा के स्तर, व्यवसाय और जाति के आधार पर भी मानकों की गणना की गई है। सेकंड हेडिंग डालेंगे अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण। इसमें लिखेंगे इस परीक्षा को 1932 में अलेक्जेंडर ने तैयार किया। इसका उपयोग 7 से 18 वर्ष तक की आयु के लोगों पर किया जा सकता है। यह एक क्रियात्मक परीक्षण है जिसका उपयोग शिक्षित अशिक्षित बहरे गूंगे तथा किसी भी प्रकार की भाषा जानने वालों पर किया जा सकता है। इस परीक्षण में लकड़ी की 4 विभिन्न आकार की छोटी छोटी ट्रे हैं जिनमें से प्रत्येक का एक किनारा लाल तथा दूसरा नीला है। इसमें विभिन्न आकार के आयतकार तथा वर्गाकार 13 लकड़ी के गुटके हैं। ये लकड़ी के गुटके भी लाल तथा नीले रंग के हैं। प्रयोजय को इन 13 लकड़ी के गुटकों तथा 4 लकड़ी की ट्रे की सहायता से
नौ डिज़ाइनें क्रमशः तैयार करना होता है। प्रयोजय को गुटके खिसकाकर डिज़ाइन बनाना होता है। फिर थर्ड हेडिंग लिखेंगे भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, तो इसमें लिखेंगे इन परीक्षण का निर्माण डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में किया था। यह परीक्षण मुख्यतः भारतीय जनता पर उपयोग के लिए बनाया गया था। भारत की जनता पढ़ी लिखी अनपढ़ गांव अथवा शहर में रहने वाली नहीं है, परंतु अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाली भी हैं। डॉक्टर भाटिया का यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए है। इसमें कुल 5 परीक्षण हैं। पहला को एस ब्लॉक डिज़ाइन, सेकंड अलेक्जेंडर आस पास अलोंग टेस्ट, थर्ड फिगर ड्राइंग टेस्ट, फोर्थ इमीडिएट मेमोरी टेस्ट ऑफ डिजिट्स, लास्ट फिफ्थ पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। अब फोर्थ लास्ट हेडिंग लिखेंगे इसकी फोर्थ हेडिंग रहेगी टर्मन तथा सैरिस स्टैनफर्ड बिने बुद्धि परीक्षण 1960 भारतीय हिंदी अनुकूलन। इसमें लिखेंगे इन परीक्षण का भारतीय हिंदी अनुकूलन डॉक्टर एस के कुल श्रेष्ठ ने किया है। परीक्षण के सभी उप परीक्षणों में परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल उन्हीं में परिवर्तन किया गया है जिसमें भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन आवश्यक था। इस परीक्षण में 2 से लेकर 6 जो ये परीक्षण हुआ तो इसमें इस परीक्षण में 2 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए कुत्ता बिल्ली कॉमा लगाते जाएंगे गुड़िया प्याला आदि छोटे खिलौने तथा लकड़ी के टुकड़े हैं। इस परीक्षण में 2.5 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मानक उपलब्ध है, यानी 2.5 वर्ष से 18 वर्ष के मानक उपलब्ध हैं इसमें।